नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। सर, लॉकडाउन खत्म होने को है, अनलॉक स्टेज सेकंड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमारे डीआरडीओ एमटीएस का कहीं पे भी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम का वेट कर रहे थे अभी तक, तो वो भी वही पेंडिंग सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन सर, एक यही तो एक ऐसा सपना था जिसके भरोसे हम बैठे थे कि रेलवे का भी वेट करते करते थक चुके हैं। तो सबसे बड़ा आपका सवाल यही था कि सर, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर कब होगा, और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि सर, क्या डीआरडीओ एमटीएस 2020 में होगा या ये भी 2021 के अंदर जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में कवर करके लाया हूं। आपको एक एक बात का जवाब विद प्रूफ दूंगा कि क्यों एग्जाम 2020 के अंदर ही होगा, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी होगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया देकर के जरूर जाइएगा। एक और चीज़, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपको इन एग्जाम से रिलेटेड बहुत सी ऐसी समस्याएं सताती है, आपको मोटिवेट करने के लिए, हमेशा आपके साथ बने रहने के लिए, मैंने एक और आपके लिए एक चैनल स्टार्ट किया, उमेश शर्मा 2.0 के नाम से। चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के उस पर लाल बटन पे जाकर के अपना थम्स अप कर दीजिए, यानी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जल्द ही वहां पे एक मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हम डीआरडीओ एमटीएस को लेकर के। डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम को लेकर एक असमंजस जो बना हुआ है उसे मैं दूर करता हूं। देखिए, पहले आपका ये है कि सर के एग्जाम 2020 में ही होगा, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ही एग्जाम 2020 में ही होगा, क्योंकि ज्यादा भी नहीं तो राउंड फिगर में लेके चलता हूं, तो 40 लाख कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, लेकिन ये बात उन तक पहुंचाना आपका काम होगा, तभी मैं आपके लिए स्पेशल न्यूज लेकर के आता रहूंगा। तो यहां पे मेरी बात को सुनिएगा, ये एग्जाम कब होगा इस मंथ के बारे में मैं इस वीडियो में कहीं भी बता सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम 2020 में क्यों होगा, क्योंकि आपको ऐसे तुक्का मार के मैं चला जाऊं कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको फैक्ट्स क्लियर करके जा रहा हूं कि एग्जाम 2020 में क्यों होगा। देखिए, डीआरडीओ को मुझे आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं कि डीआरडीओ डिपार्टमेंट क्या है, जो कि हमारा रक्षा अनुसंधान विभाग है, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत प्रमुख स्थान रखता है, और एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि हमारी देश सेवा के लिए बहुत स्पेशल है। क्या कोविड-19 जैसे कारणों से हमारे देश की रक्षा अनुसंधान जैसे डिपार्टमेंट है वो काम करना बंद कर देंगे, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां आती जाती रहती है, लेकिन ऐसे डिपार्टमेंट और हमारा देश हमेशा इन चीजों से हमेशा डटकर मुकाबला करता आया है। अब आपको ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर, इस चीज को आप इससे क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि हमें ये डर है कि कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं होगी। मुझे एक बात बताइएगा, ये कैसा रक्षा अनुसंधान विभाग है जहाँ पे बहुत अच्छे उच्च लेवल के अधिकारी और बहुत अच्छे लेवल के लोग वहाँ से, जो देश सेवा में लगे हुए उन लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कोई भी चीज़ होती है तो उस चीज़ की सेफ्टी भी हमारे देश के लिए जरूरी है। इस चीज़ को किसी भी लेवल को ऊपर उठाने के लिए पहले हमारे जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम जिन लोगों को छोटा मान करके चलते हैं ना, वो ही उस चीज़ की नींव होती है। तो मैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे वो डीआरडीओ क्यों ना हो, अगर उसकी नींव भी मैं फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉयज को लेकर के चलूँ तो बड़ी बात नहीं होगी। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज की सबसे ज़्यादा नीड होती है। डीआरडीओ डिपार्टमेंट के अंदर भी ऑफिशियल लेवल के जितने भी लोग हैं, उन लोगों की सेफ्टी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स की सेफ्टी, क्लियरेंस, हर एक चीज़ को लेकर के वहाँ पर साफ सफाई और जितने भी एक छोटे मोटे काम होते हैं, उन्हें छोटे स्टाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जिस तरीके से बड़े एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, उसी तरीके से छोटे एम्प्लॉयज की भी जरूरत होती है। आपके मन में एक सवाल आता है, सर आखिर ये एग्जाम डिले क्यों हो रही है? आपको पता है कि जो अभी जो क्राइसिस चल रहा है या देश में जो कोविड-19 का समय चल रहा है, उसमें डीआरडीओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इन चीज़ों का सामना कैसे किया जाए। और डीआरडीओ हर बार जैसे एसएससी जैसे डिपार्टमेंट है ना, एसएससी आईबीपीएस इतने एग्जाम कंडक्ट करवाते, इतना डीआरडीओ को इस चीज़ का इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव दूसरे फील्ड के अंदर है। तो अभी डीआरडीओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन चीज़ों का सामना कैसे किया जाए। इस चीज़ों का सामना करने के लिए सबसे बड़ी एग्जाम अभी बीच के अंदर आएगी, एसएससी सीएचएसएल, जो कि यहाँ पे आपका अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अगस्त से स्टार्ट होने के बाद में ये एग्जाम अगर सुचारू रूप से कंडक्ट करवा लिया जाता है एसएससी के थ्रू, तो यहाँ पे उस डिपार्टमेंट को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि हम बच्चों के फ्यूचर और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं। तो मेरी बात सुनिएगा, अगर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम अगस्त के अंदर डिले नहीं होती है, किसी भी तरीके से पोस्टपोन नहीं होती और एग्जाम अगस्त में करवा ली जाती है, तो मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा, आपका डीआरडीओ एमटीएस का जो पेपर है वो सेप्टेम्बर के अंदर, ये मान लीजिएगा सेप्टेम्बर के अंदर 70% होने के चांसेस रहेंगे, 30% अक्टूबर में, यानी सेप्टेम्बर मिड से लेकर के अक्टूबर मिड के बीच में आपकी जो डीआरडीओ एमटीएस का पेपर है वो होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो अभी भी अगर आप ये टेंशन फ्री होकर के बैठे हैं कि अभी डीआरडीओ एमटीएस का पेपर तो नहीं होगा, जिस तरीके से रेलवे का नहीं हो रहा है, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। प्रिपेयर हो जाइए, अभी भी अगर आप सो रहे थे तो उठ जाइए, क्योंकि सेप्टेम्बर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, जुलाई खत्म होने को है,
अगस्त आने वाला है। तो जैसे ही एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को सुचारू रूप से कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो इसको लेकर के जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कई लोग ये भी बोलेंगे कि सर आप इसे एसएससी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ एसएससी बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जिन चीज़ों का सामना करना है इस कोविड-19 में, उन चीज़ों को अगर सुचारू रूप से कंडक्ट करवा लिया जाता है, क्योंकि एसएससी पहले भी जब ये कोविड-19 स्टार्ट चल रहा था तभी सीएचएसएल के एग्जाम ले रहा था और उन्होंने उस चीज़ को कंडक्ट करवाया भी था जिसमें किसी को कोई हानि नहीं हुई थी। उस चीज़ को देखते हुए डीआरडीओ एमटीएस इससे सीख लेकर के इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। अगर आपको मानना है तो मान लीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन कहीं आपको पछताना ना पड़े कि सर की बात मान लेते और हम तैयारी में लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा कि डीआरडीओ एमटीएस कब होगा। सेप्टेम्बर हाफ से लेकर के अक्टूबर मिड के बीच में आपका कभी भी एग्जाम की डेट आ जाएगी, इसलिए प्रिपेयर रहिए। हर एक एग्जाम को लेकर के जो भी आपके मन में सवाल है यहाँ पे आकर के आप उनसे बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोज और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहूँ, इसके लिए आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।